हेलो एवरीवन, आज हम लोग छोटा सा उपाय करने जा रहे हैं। इसके इस्तेमाल से आपके हड्डियों के हर तरह के दर्द को दूर करता है, चाहे वो हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, बैक पेन की समस्या हो, वात दोष की समस्या हो, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो गई है, या फिर पैर मुड़ गया है, पैर मुड़ के मोच आ गई है, उसमें सूजन हो गया है, ये सभी दर्द को बहुत ही आसानी से दूर करता है। वायु बढ़ने से यदि आपके शरीर में जैसे अचानक से कहीं दर्द उठ गया, कंधे में दर्द उठ गया, बाँह में दर्द उठ जाती है, वो सब वायु बढ़ने से भी होती है। तो इस वजह से भी यदि दर्द हो रही है तो उस दर्द को भी ये खींच के बाहर करने का काम करती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, सारा प्रोसेस मैं यहाँ बताऊँगी, सारा तरीका मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप आयुर्वेद के कुछ औषधीय पत्तों का इस्तेमाल करके अपने दर्द को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ये दर्द चाहे हड्डियों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, या फिर सूजन हो गई हो, मोच आ गई हो, या फिर वायु बढ़ने से दर्द हो गई, किसी भी तरह का दर्द हो, ये खींच के बाहर कर सकती है। बहुत ही कमाल के पत्ते हैं और इसका छोटा सा उपाय आपको करने में बताऊंगी। बस ये उपाय करके आप अपने दर्द को चुटकियों में गायब कर सकते और किस हैं। किस तरह के दर्द में ये आराम कराता है सारा मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। छोटा सा उपाय है और ये उपाय करके आप तुरंत में अपने दर्द को ठीक कर साथ सकते ही वीडियो हैं। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि अचानक से पैर मुड़ जाता है, चलते चलते पैर मुड़ जाता है और पैर में मोच आ जाती है, जिसके वजह से आप पेन किलर का यूज़ करते हैं, पेन किलर खाते हैं, और जो आप नहीं भी चाहते हैं खाना फिर भी आपको दर्द की वजह से खाना पड़ता है, जो शरीर में और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को बाद में मिलते रहते हैं। या फिर शरीर में वायु बढ़ने से अचानक से कहीं पे भी आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कुछ भी बैग वैग उठा लिए और उस बैग उठाने की वजह से हाथ में दर्द उठ गया। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि कहीं पर अचानक से स्वेलिंग हो गई है, फूल चुकी है नसें, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस तरह की भी आप महसूस करते होंगे। तो किसी भी तरह की दर्द हो, सूजन हो, आपको वात की वात दोष से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर घुटने में दर्द, घुटने घुटने की की दर्द, कमर की दर्द, हड्डियों का हर तरह के दर्द को ये ठीक करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे, आखिर कौन सा उपाय है, कौन सा आयुर्वेदिक पत्ता है जिसके इस्तेमाल से ये सारी चीज़ आपको तुरंत में आराम कर सकता है, ये सारी प्रॉब्लम से आपको तुरंत में आपको ये आराम दिला सकता है। तो ये जो पत्ता है ये है पान का पत्ता। ये पान का पत्ता वही है जो पूजा में भी यूज़ होती है और बहुत जन इसे खाने में भी यूज़ करते हैं, पान चबा के जो बहुत लोग खाते हैं, तो वो पान का पत्ता खाने वाला पत्ता भी है। तो इसे आपको बस ले लेना है एक पत्ता, और एक पत्ता को आपको लेना है। अगर आपका दर्द थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया में है तो दो तीन पत्ता भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको इसमें लगानी है सरसों का तेल। सरसों का तेल दर्द निवारक होती है, प्योर सरसों का तेल हो तो बेहद फायदेमंद है। बस सरसों का तेल आपको इसमें लपेट देना है, देखिए इस तरह से, जैसे मैं इसमें पूरी तरह से फैला दी हूँ, और इसे हल्का सा गर्म करना है तवा पे। देखिए मैं हल्का तवा को गर्म कर ली हूँ और उसमें आपको ये पत्ता को रख करके हल्का गर्म कर लेना है। देखिए इसे आपको चट चट की आवाज़ें आएगी और तुरंत में इसे उतार देना है, तुरंत में ही आपको निकाल देना है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, हल्का सा खाली बस तेल गर्म होना है। और पान का पत्ता प्लस तेल, सरसों का तेल, ये दोनों मिल करके दर्द को खींचने का काम करता है। तो ये दोनों ही गर्म हो चुकी है, हल्का हल्का ठंडा इसे कर लीजिए, पूरा पूरा गर्म आप कहीं भी नहीं रखना है, तो आपको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो हल्का ठंडा होने के बाद बस आपको दर्द वाले जगह पर इसे आराम से रख देना है, चाहे वो, यदि आपको दर्द ज़्यादा बड़ा एरिया में है तो दो तीन पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको, देखिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ, यदि आपको हाथ में कहीं दर्द हो गई है तो आपको एक पत्ता से काम हो जाएगा, यदि आपको घुटने में दर्द हुई है तो दो तीन पत्ता आप यूज़ करेंगे वहाँ पे। इस तरह से ही उस जगह पे आपको ये गर्म पान का पत्ता को, हल्का गर्म पान का पत्ता को रख देना है, और उसके बाद आपको किसी भी कपड़े से लपेट देना है और रात भर इसी तरह से आपको लपेट के छोड़ देना है। आप सुबह तक देखेंगे आपका ये दर्द को खींच के बाहर कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, ये नुस्खे को जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिए, जरूर ट्राई करिएगा। इससे आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दर्द
जैसे ही आप इसे लगाएंगे धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पत्ता जो आप पान का पत्ता ले रहे हैं वो गाढ़े रंग की होनी चाहिए। हल्के पत्ते भी आते हैं लेकिन हल्का पत्ता नहीं लेना है, गाढ़ा पत्ता लेना है। और तेल जो है जो गाढ़ा कलर जिसपे डीप ग्रीन है ऊपरी तह पर आपको सरसों का तेल लगाना है। और यदि सरसों का तेल ना मिले तो आप यहाँ तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल भी हड्डियों के दर्द को खींच के बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये पीछे वाला पार्ट में आपको नहीं लगाना है तेल, आगे वाला पार्ट में लगाना है। पीछे वाला पार्ट जो हल्के कलर की होती है वहाँ नहीं लगाना है, ये पीछे वाला पार्ट है देख लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना है, तेल आपको ऊपरी पार्ट में लगाना है जो मेन ग्रीन कलर का है, ये जो आप नीचे में देख रहे हैं पत्ता, इस पत्ते पर आपको तेल लगाना है। और सरसों का तेल लगा सकते हैं या फिर आप तिल का तेल लगा सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक तेल लगा सकते हैं। अब यदि आपको पान का पत्ता ना मिले तो आप क्या करिए? यदि आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो और भी आयुर्वेदिक बहुत सारे पत्ते होते हैं जो कि आपके दर्द को खींचने में काम आते हैं। जैसे अरंडी का पत्ता, कैस्टर लीव्स जिसे कहा जाता है, दूसरा पत्ता है बनियान ट्री का पत्ता या फिर पीपल का पत्ता, ये भी पत्ता आपको दर्द में काफ़ी फायदेमंद होती है। या फिर आप अकवन का पत्ता ले सकते हैं, आग का पत्ता, धतूरा का पत्ता, जिसे कि जो धतूरा का फूल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ता है, जी हाँ फ्रेंड, उसे अकवन का पत्ता कहते हैं। और आग का पत्ता भी आप ले सकते हैं। ये सभी पत्ता दर्द को खींचने में बहुत ही फायदेमंद होती है, तुरंत आपके दर्द को खींच के बाहर निकाल सकती है। ये सभी में उसी तरह से प्रोसेस करना है जैसे कि मैंने पान के पत्ते में बताया। और ये पान का पत्ता तो हर जगह मिल जाती है, पान का पत्ता मिले तो आप पान का पत्ता ही यूज़ कर सकते हैं। बस आपको गाढ़ा पान, गाढ़ी कलर की जो डीप ग्रीन पत्ता होती है वो आपको लेनी है। और सारा प्रोसेस इसी तरह से करिएगा और देखिए आपका किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द हो तुरंत खींचने में हेल्प करती है ये पत्ता। पान का पत्ता के तो और भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आप इसे पान के पत्ता को चूर करके आप सरसों का तेल या फिर तिल के तेल में गरम करके ये तेल को भी यदि आप अपने दर्द वाले जगह पे लगाते हैं तो भी दर्द खींच के ये बाहर निकाल सकती है। साथ ही पान के पत्ते खाने से बेहद फायदे होते हैं, बहुत सारे रोगों को बहुत ही आसानी से जड़ से ठीक करने का काम करती है। इसके लिए मैं बाद में कभी वीडियो लेके आऊंगी। आज जो मैं वीडियो शेयर की हूँ ये मोच के लिए है, सूजन में काम आएगी, बैक पेन हो, हड्डियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कहीं भी स्वेलिंग हो गई हो, अचानक से फूल गया हो, सूजन हो गया हो, या फिर आपको वायु बढ़ने से कहीं भी अचानक से दर्द हो गई हो, कंधे में दर्द हो गई हो, अचानक से पैर मुड़ गया है, मोच आ गया है, और हड्डियों के हर तरह के दर्द को ये खींच के बाहर निकालने में बेहद फायदेमंद होती है। एक बार इसका इस्तेमाल करके जो देखिएगा, एक बार जो ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इससे फायदा मिले। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।